मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। चॉकलेट लाइन जूस आइसक्रीम टॉफियां पहले जैसे अब मेरे शौक है। अजी शौक है, ऐसे कैसे खत्म हो जाएंगे। ये तो ऐसी चीजें हैं जो बड़े से बड़ों को भी पसंद आती हैं और अपना टेस्ट बनाने के लिए हर कोई इसको खाता है। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूँ आपके साथ आरजे यशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। वही दोस्तों, इतनी टेस्टी टेस्टी चीजों के मैंने नाम लिए हैं कि आपके मुँह में भी पानी आ गया होगा। क्योंकि दोस्तों आज मौका ही कुछ ऐसा है। क्या है आज, चलिए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों आज है अक्टूबर का पहला दिन, यानी 1 अक्टूबर, और आज के दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, यानी विश्व शाकाहारी दिवस, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं दोस्तों आज सिर्फ विश्व शाकाहारी दिवस ही नहीं, और भी दो खास दिन हैं, बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले बात करते हैं विश्व शाकाहारी दिवस के बारे में। खास दिन शाकाहारी आहार के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उसको बढ़ाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों शाकाहारी भोजन में ताजे फल, सब्जियां और पौधों से आने वाले अन्य खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। और एक खास बात जो 2 साल से बहुत प्रचलन में है, दोस्तों जब से कोविड आया है ना, तब से लाखों की संख्या में लोगों ने शाकाहार को अपनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस आहार से वजन घटाने सहित कई तरह के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। और वहीं दोस्तों जहां घर घर में हेल्थ इश्यूज हैं, आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं, तो वेजिटेरियन डाइट लेना बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों आपको बता दूं, स्वाइन फ्लू से लेकर कोरोना फैलाने तक में जानवर एक बड़ी कड़ी साबित हुए हैं। और वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि पिछले 50 सालों में 70% वैश्विक बीमारियां जानवरों के जरिए फैली हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दूं, विश्व शाकाहारी दिवस की शुरुआत 1977 में उत्तरी अमेरिकी शाकाहारी समाज ने की थी, और इसके बाद साल 1978 में अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी संघ ने इसका समर्थन भी किया। और हृदय से जुड़ी बीमारी या कैंसर जैसी बीमारी का खतरा कम करना चाहते हैं तो वेजिटेरियन डाइट ही अपनाएं। वहीं दोस्तों वेजिटेरियन डाइट नॉनवेज फूड से ज्यादा हेल्दी है, और साथ ही वो बॉडी में ज्यादा फैट भी नहीं बढ़ाते, यानी आपके पतले होने के चांसेस ज्यादा हैं। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही दिल की बीमारी का खतरा भी कम करती है, और इसमें मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स में कैंसर से लड़ने की क्षमता होती है। अमेरिकन जनरल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित रिसर्च कहती है कि हृदय रोगों का अगर खतरा घटाना है तो शाकाहारी खाना जरूर खाइए। वहीं दोस्तों अपने सल्लू भाई भी बड़े कंफ्यूज हैं कि किसी को शाकाहारी खाना खिलाना है तो क्या ले जाना चाहिए, और वो कंफ्यूज होते होते कहते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, एक नहीं दो नहीं इतनी सारी वैरायटीज होती हैं शाकाहारी खाने में, जिसमें आप अपने स्वाद के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार, अपने मसालों के अनुसार अपना भोजन चुन सकते हैं। ओ वाओ। वहीं दोस्तों चलिए अब मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी। अगर आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपने पूरे दिन भर की डाइट में 50% से ज्यादा फल और सब्जियां लें, और इसके बाद ही अनाज शामिल करें। वहीं दोस्तों अगर शाकाहारी भोजन को हम अपने धार्मिक स्तर पर देखें तो सतयुग, द्वापर युग और कलयुग में भी कई युगों में शाकाहारी भोजन को सात्विक माना जाता रहा है, और सात्विक भोजन को मन में शांति, एकाग्रता, सभी के लिए प्यार और साथ ही मन में आशावाद जैसे महान गुणों के लिए दर्शाया जाता है, जाना जाता है। जहाँ मैं बात करूँ आपके नेचर की, आपके स्वभाव की, तो जो लोग गुस्सा करते हैं उनको सात्विक भोजन या यूं कह लो कि शाकाहारी भोजन जरूर खाना चाहिए, क्योंकि शाकाहारी भोजन हल्का होता है और ये अन्य भोजनों की तुलना में जल्दी पच जाता है, और वही हमारे दिमाग को सचेत रखे हुए उसे बुद्धिमान बनाता है,
और दोस्तों कई रिसर्च के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि ये प्रमाणिक है कि शाकाहारी भोजन ने स्वास्थ्य लाभ सिद्ध किया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस खास दिवस के उद्देश्य की कि क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों इस दिवस का उद्देश्य होता है जानवरों के जीवन को बचाने और पृथ्वी को संरक्षित करने में मदद करने के बारे में भी मनाया जाता है। आप भी मुझे बताइएगा कि शाकाहारी भोजन में आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, कौन सा खाना है जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद जानते हैं कि और क्या खास दिन है आज। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी आज यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM। जन जन की मंगलवाणी। कहते हैं सुख संपत्ति की देवी लक्ष्मी वहीं बसती है जहां स्वच्छता रहती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जहां एक तरफ हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं वहीं दूसरी तरफ हम गंदगी फैलाते हैं। तो भैया अगली बार कचरा फैलाने से पहले सोच लीजिए कहीं लक्ष्मी जी आपसे रूट कर चली ना जाए। डू यू वॉन्ट टू बिल्ड योर करियर एंड वॉन्ट टू बिकम ए रिनॉन्ड जर्नलिस्ट और ए टीवी एंकर? देन डू नॉट वेट। Manglayathan University is there to help you in shaping your career with high qualified faculties, TV studio and with own radio channel to give you the real journalism experience. For more information, visit www.manglayathan.edu.in or you may call us on 9359-555-555. Manglayathan University. Learn today to lead tomorrow. अरे चिंटू पानी बंद कर दे रे बेटा। अरे सोनिया बिटिया, अरे पानी बंद कर दे रे बिटिया। कोई नहीं सुनता। अरे उषा जरा पानी बंद करके आ जाओ, नल से पानी टपक रहा है भाई। पंडित जी कुछ काम करने से होते हैं क्योंकि जल के साधन सीमित हैं। आज ही पानी बचाइए और अपनी नल को ठीक करवाइए पंडित जी। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से, मैं हूँ आपके साथ आरजे आशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों शुरू हो गया है अक्टूबर का महीना और आज है पहला दिन। आज के दिन हम मनाते हैं इंटरनेशनल कॉफी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आज है विश्व शाकाहारी दिवस और साथ ही आज ही के दिन हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। वही दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस खास दिवस यानी कॉफी दिवस को मनाने के उद्देश्य की। तो दोस्तों इस दिन को मनाने का उद्देश्य उन लोगों को सम्मान देना है जो कॉफी की पैदावार के लिए दिन रात खेतों में मेहनत और मजदूरी किया करते हैं। इसके अलावा साथ ही दोस्तों इस दिवस का मकसद है लोगों को कॉफी पीने के फायदे के बारे में जागरूक किया जाए। चलिए बात करते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन की स्थापना 1963 में लंदन में हुई थी और साल 2015 में जाकर इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन ने इटली के मिलान में पहला इंटरनेशनल कॉफी डे सेलिब्रेट किया था। तब से इस दिवस को पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। हालांकि कई देश अपना खुद का राष्ट्रीय कॉफी दिवस अलग अलग दिवस पर मनाते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, कॉफी पीने से अट्रैक्शन भी होने लगता है। कैसे, अब आप इसको ही सुन लीजिए। कॉफी पीते पीते मिल रही ये जो हो रहा है अच्छा लग रहा है। अक्षय कुमार की आई फिल्म गब्बर इज बैक में एक गाने में उसने अपने आप को दर्शाया है। जी हाँ दोस्तों, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड में ऐसे तमाम गाने हैं जो कॉफी के ऊपर बने हैं। और भी आपको गाने सुनवाऊंगी लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ पहला अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कहाँ मनाया गया था। तो दोस्तों 1997 में चीन में पहला अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया था।
और वहीं नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 17 नवंबर 2005 में पहली बार मनाया गया था। और आपको जानकर खुशी होगी दोस्तों, भारत दुनिया का छठवां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है और भारत के इन हिस्सों में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है, जैसे कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम और मणिपुर में भी। विश्व भर के कंपैरिजन में भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी में कॉफी की खेती होती है, क्योंकि यहाँ कॉफी सूर्य की रोशनी से दूर छांव में उगाई जाती है और जिससे कॉफी का टेस्ट बढ़ जाता है। तो वहीं विपाशा बासु अभिषेक बच्चन से इस फिल्म के गाने में तो कॉफी की टेस्ट के साथ झूमने लगी। दोस्तों आपको बता दूं, कॉफी का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है और साथ ही सीमित मात्रा में कॉफी का सेवन करने से कई तरह की बीमारियों से आजादी मिलती है और तनाव को कम करने के लिए आप उचित मात्रा में रोजाना कॉफी का सेवन कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि कॉफी का ज्यादा सेवन करने से उसका नेगेटिव इफेक्ट यानी विपरीत असर भी पड़ सकता है। वहीं जो लोग मोटे हैं और पतले होना चाहते हैं दोस्तों, कॉफी का सेवन करने से ये मुमकिन है, क्योंकि कॉफी चर्बी जलाने का कार्य करती है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जोखिम काफी कम हो जाता है। और वहीं टाइप 2 डायबिटीज में ये काफी मददगार साबित हुई है। इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को कॉफी जरूर पीनी चाहिए और कॉफी पीना हार्ट के लिए भी काफी लाभदायक है। वहीं दोस्तों, अगर रोजाना की बात करूं तो कॉफी की मात्रा दिन भर में 2 कप पीना सीमित है। उम्मीद करती हूं दोस्तों, आज का हमारा कॉफी दिवस का शो आपको बहुत पसंद आया होगा। साथ ही आपको बताऊंगी कि और क्या खास दिन है आज, लेकिन तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक का। जी हाँ दोस्तों, इस ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ और आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी अजय यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM। जन जन की मंगलवाणी। अरे यार, एक तो ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, ऊपर से 30 सेकंड की रेड लाइट। और अरे पीछे वाली गाड़ी को क्या चाहिए, कब से हॉर्न बजाया जा रहा है। एक काम कर, उसे बोल इतनी जल्दी है तो उड़ के चला जाए। अरे जनाब, जल्दी सिर्फ आपको ही नहीं औरों को भी है, पर रेड लाइट तो आपकी सेफ्टी के लिए है ना, तो कम से कम रेड लाइट पर हॉर्न को होल्ड कीजिए और ग्रीन लाइट होने का इंतजार कीजिए। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। अजय, तेरी जॉब का क्या हुआ? बस यार, पासपोर्ट आ जाए फिर सीधे लंदन। सही है भाई, तू निकल गया। मंगलायतन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट है वहाँ। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और एक्सलेंट प्लेसमेंट के लिए चूज बेस्ट फॉर योर करियर, मंगलायतन यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन फॉर बीटेक, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, बीसीए, बीबीए, फार्म, बीफार्म, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, बेसवा, अलीगढ़। अरे चिक्की बेटा, हाथ धोते वक्त थोड़ा कम पानी इस्तेमाल करो भाई। अरे नहीं नहीं भैया, आप चिंता मत करो, हमारे घर में पानी खूब आता है। अरे अपने घर तो आता है, पर पड़ोसियों का क्या? आवश्यकता अनुसार ही पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जल के साधन सीमित हैं। पानी बचाइए। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूँ आपके साथ आरजे आशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। दोस्तों आज तो जैसे लिस्ट बनी हुई है खास दिवस की। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आज है विश्व शाकाहारी दिवस, साथ ही मैंने आपको बताया कि आज है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। लेकिन एक और खास दिन है आज जिसे हम मनाते हैं दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस। जी हाँ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डरली पर्सन। दोस्तों एक कहावत होती है ओल्ड इज गोल्ड, जिसका हिंदी में अनुवाद करें तो उसका मतलब होता है पुराना ही खरा सोना है। अगर दोस्तों हम यही बात लोगों पर लागू करें तो एक्चुअली में ये बात कहीं ना कहीं सच ही तो है। जो पुराने लोग होते हैं उनकी बातें खरे सोने की तरह होती हैं। उनकी ढेर सारी उम्मीदों पे हम कभी कभी खरे उतरते हैं तो कभी कभी खरे उतर नहीं पाते, कभी कभी हम उनकी उम्मीदों को तोड़ देते हैं। दोस्तों आज है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। मैं अपने लिसनर्स में जो भी वृद्धजन है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं आज के दिवस की देना चाहूंगी। आज के दिन का महत्व बुजुर्गों के लिए बहुत होता है, उनके सम्मान के लिए ही आज का दिवस रखा जाता है।
दोस्तों, चाहे हमारे घर के बुजुर्ग हो या हमारे घर के बाहर के, हमें हमेशा ही उनके लिए आदर और सम्मान अपने मन में रखना चाहिए। क्यों हम सिर्फ एक ही दिन उनके लिए मनाते हैं? उन्होंने हमें जीवन भर पाला पोसा, बड़ा किया और इस लायक बनाया कि आज हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं, तो क्या हम उनको छोटी छोटी खुशियां नहीं दे सकते? लेकिन दोस्तों, खास तौर पर 1 अक्टूबर के दिन वृद्धजनों को सम्मान देने के लिए, उनका आदर सत्कार करने के लिए और उनके प्रति होने वाली उपेक्षा को रोकने के लिए ये दिन मनाया जाता है। वहीं दोस्तों, अगर बुजुर्गों में आपकी दादी या दादू आपसे रूठ जाते हैं, आप उनको ये गाना सुनाकर मना सकते हैं। तो कहा जाता है ना, एक छोटे बच्चे में भगवान वास करते हैं, वैसे ही जब बुजुर्ग लोग अपनी मैच्योरिटी वाली एज को छोड़ देते हैं और बुजुर्ग की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उनका दिल भी बच्चे जैसा हो जाता है। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। वो जिद करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, हर साथ ही छोटी छोटी चीजों के लिए रूठ जाते हैं, तो ये गाना उनके लिए परफेक्ट बनता है ना। इसी के साथ दोस्तों, बुजुर्गों की भलाई और उनकी जरूरतों के लिए जागरूकता बढ़ाने और उनकी तरफ लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की शुरुआत की। ओह वाओ। और 1990 में इस दिन की शुरुआत हुई थी। वहीं दोस्तों, बुजुर्गों के साथ होने वाले अन्याय और दुर्व्यवहार पर रोकथाम लगाने के लिए ये दिन मनाने का फैसला किया गया। और वहीं 1 अक्टूबर 1991 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पूरी तरह से बुजुर्गों के लिए दोस्तों सम्मानित किया जाता है। इस दिन उनके सम्मान में कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की खुशी का ध्यान रखते हुए कई तरह के आयोजन किए जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जब हम छुट्टियों में अपनी अपनी नानी के घर जाते हैं, तो उनसे कहते हैं, दोस्तों नानी के घर जाने की खुशी ही अलग होती थी। उनके यहाँ से थोड़े से जो पैसे मिलते थे, उससे हम बाजार जाकर चीज ले आते थे और खाया करते थे, और वो समय बहुत अच्छा भी लगता था, क्योंकि सारे कजन्स, मौसी के बेटे, मामू के बेटे सब मिल जाते थे और वहीं खूब सारी मस्ती किया करते थे। दोस्तों, ये सब पॉसिबल हो पाता है नानी नाना की वजह से। नानी, दादी, दादू, दादी, इन सबकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद जब हमें मिलता है ना, तो हम एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं। तो आज उन्हीं के खास दिन पर उनको कुछ सरप्राइज क्यों ना देते हैं, है ना? चलिए, कुछ प्लान जरूर कीजिएगा दोस्तों, लेकिन अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर हाजिर होंगी कुछ खास दिन पर कुछ खास बात लेकर। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी अजय यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM। जन जन की।